करता करे न कर सके शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। कैसा लगा? भाई रेडी हो गए हैं? कैसे कैसे रेडी हो गए? रेडी हो गए हैं और अब टाइम है आपको बाहर का नज़ारा दिखाने। बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, चलो। भाई बहुत ज्यादा ठंड है, ये देखो। दिस इज द नजारे। शिट मैन, शिट। और ऐसे हमारे टेंट के बाहर ऐसी कीचड़ हो रही थी जो मैं आपको बता रहा था। पहाड़ देखो यार, पहाड़ों को देख के एनर्जी आ जाती है। पहाड़ों को देख के एनर्जी आती है। मतलब अभी तक हम लोग टेंट में थे ना, अभी तक हम लोग टेंट में था ना, कैसे लग रहा था यार कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। बाहर आते ही हो मजा ही आ गया भाई व्यू देख के। हर हर महादेव। तो भाई अब निकल रहे हैं आगे और देखो क्या हालत हो रही है। एवरीबॉडी इज इन पोंचो। दिस वाज आवर टेंट। तो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर। यहाँ से अब हमको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना है, उसके बाद आएंगे केदारनाथ बाबा, हमें दर्शन देंगे। हम दर्शन करने नहीं आए, वो हमें दर्शन देंगे। फ्रीज हो रहे, फ्रीज। हाथ बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं और बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंडा है। सामने वाले पहाड़ देखो बर्फ के। वो देखो सामने का पहाड़ देखो बर्फ। सोचा तो हमने था कि हम लोग नए कपड़े पहन के दर्शन करेंगे, अभी बाकी आगे देखते हैं। और तुम सूट लाने वाली थी ये सूट लाने वाली थी कि अच्छे अच्छे रील्स बनाऊंगी, फ़ोटो खींचूंगी, बट वेदर इज़ नॉट अलाउिंग टू चेंज आर अटायर। Yeah. I don't know, आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट हमको केदारनाथ धाम के पहले दर्शन हो गए हैं। थोड़े धुंधले धुंधले हैं, मैं ज़ूम नहीं कर, और अभी काफी दूर है, लेकिन हम लोगों को तो हो गए हैं। एंड भाई साहब, हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग यार। मतलब इतना स्ट्रगल करके, और कल रात को तो हमारे लिए हमारा जो एडवेंचर तो नहीं बोलूँगा बट काइंड ऑफ एडवेंचर बन गया था सर्वाइवल। आर एडवेंचर टर्न इनटू सर्वाइवल। बट ओ भाई साहब, मुझे क्या फील आ रही यार, यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा। शिट मैन, चलो अभी और आगे चलते हैं, फिर आपको और अच्छे अच्छे दर्शन कराएंगे। बट यार वी कैन सी आर भोलेनाथ, लेट्स गो। तो ये है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकल के आगे जाती है, लेकिन ये मंदाकिनी नदी यहाँ से केदारनाथ से निकलती है और देखो ऊपर से वहाँ से। बाकी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा था ना कि रास्ते पूरे भरे रहते थे, उतनी नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि
लाइन लगी हुई है या फिर हम डायरेक्ट दर्शन करेंगे? क्या हाल है यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल है, मंदिर में देखते हैं कि क्या हाल है। जितना भी आप स्ट्रगल करते हो ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, जितने लोग मेहनत करते हैं ना, सच बता रहा हूँ यहाँ पर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और जितनी बची है वो आगे मंदिर पर दूर हो जाएगी। चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, तेज बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो लाइन लग रही है भाई, बहुत लंबी और तेरी, बहुत लंबी लाइन है भाई दर्शन के लिए। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, भोले बाबा इतनी आसानी से दर्शन नहीं देंगे। अरे भाई कितनी लंबी लाइन है यार, कोई बात नहीं, दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करने में लग जाएंगे 3-4 घंटे, है ना। कितने बज रहे? 9:30 मंदिर की लाइन में एंट्री की है, उसके बाद अब देखते हैं दर्शन कितनी देर में होता है। बाकी एक्सपेक्टेड तो है कि लग जाएंगे 3-4 घंटे लग जाएंगे। लाइन बहुत है, 1.5 किलोमीटर की लाइन। हाँ, 1.5 किलोमीटर की लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, और बाकी मंदिर पर भी थोड़ा टाइम बिताएंगे। तो दिस वॉज दी अपडेट कि 9:30 बजे भी अभी स्टार्टेड, अब कब तक पहुँचते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क आ रहा है तुम्हारे? ताज़ा खबर ये है कि यहाँ पे वोडाफोन के और जियो के नेटवर्क आ रहे हैं। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ओम शांति ओम। कैसा लगा? मैंने लोगों की वीडियो देखी थी, उसमें लोगों को देखा था कि रोते हुए, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता था कि, मुझे लास्ट टाइम तक नहीं पता था, जैसे मैंने दर्शन किया ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आई डोंट नो, बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। हर हर महादेव।
हर हर महादेव बोलो। तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ एक्चुअली जगह जगह सच बहुत अच्छी है। मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल भी। अभी जब हमने दर्शन किए ना तो उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तुम लोग। और सच में है, मतलब कहते ना लोग इतना दूर आता है दर्शन करने के लिए, भाई आप आके देखो यहाँ पे मैजिक है। मैजिक, हाँ मैजिक है यहाँ पे, सही है मैजिक है। आपको ना वो एनर्जी फील होती है। अभी हम जा रहे हैं भीमशिला के पास, वो आपको दिखाते हैं। और उसकी स्टोरी भी है, बहुत लोगों को पता भी होगी, बट हम दोबारा से बता देंगे। वो रहा उधर, तो चलो पास में चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। भगवान नज़ारे एक नंबर है यहाँ पर। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम। हाँ तो भाई ये है भीमशिला। अब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी है कि पीछे से अभी व्यू आपको दिखेगा नहीं, बट पीछे से जो बाढ़ आई थी ना, तो ये जो पत्थर है पीछे से आके पकड़ना, ये जो पत्थर है पीछे से आके गिरा और जिसकी वजह से जो भी पानी था वो दो पार्ट में बट गया, आधा इधर आधा इधर, और मंदिर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ और मंदिर बच गया था। तो इसलिए ये भीमशिला जो है ना उस आपदा में भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आप बोल सकते हो, इसी की वजह से मंदिर बचा था। वरना जिस हिसाब से वो आपदा आई थी यहाँ पे शायद कुछ नहीं बचता, बट स्टिल मंदिर जैसा था वैसा का वैसे ही था। तो ये है इस भीमशिला की स्टोरी। और आप देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है, कि पूरा जितना मंदिर है ना पीछे से उतना ही बड़ा पत्थर है जो आके गिरा है। जितने सिक्के चिपकाए हैं लोगों ने मिन्नत मांगी होगी। धनुरुद्र प्रचोदया। देखो इसकी जो विड्थ था ना बिल्कुल सेम टेंपल जैसी थी, मतलब मंदिर की जितनी विड्थ थी ताकि मंदिर को कुछ ना हो, और इसकी वजह से मंदिर को कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके जहाँ से वो बाढ़ आई थी। ये कुछ यहाँ पंडाल लगा रहे हैं शायद, वरना ये नहीं होता है। ये है टेंपल के पीछे का सीन। तो केदारनाथ मंदिर से पीछे ही शंकराचार्य जी की समाधि है, तो पीछे आके आप देख सकते हो। ये शंकराचार्य जी की समाधि है यहाँ पर। ये नीचे जा सकते हैं वैसे। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी। शंकराचार्य जी की हिस्ट्री क्या है मुझे अच्छे से पता नहीं है, बाकी आप गूगल कर सकते हो। दादा व्हाट डू यू सी? हेलो, अपने अपनी फीलिंग बताता हूँ। जब मैंने अंदर दर्शन किए ना तो आई लिटरली फेल्ट कि भोले बाबा मेरे सामने हैं। आई फेल्ट इट। अब ये मुझे नहीं पता लोगों को फील होगी नहीं होगी, बट मुझे ये फील हुई थी, मुझे ये फील हुई थी। और वो फीलिंग आपने देख ली होगी हमको कैसा लगा था। दैट वाज अ ट्रू इमोशंस।
मतलब ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, 2 बज गए हैं अभी, हमको नीचे उतरना भी है, सोनप्रयाग पहुँचना है। हमको चढ़ने में 11 घंटे लगे थे। हमने सुबह 9 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, 8:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, 8 बजे पहुँच गए थे, और उतरने में 6-7 घंटे लग जाएंगे। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, फिर सोनप्रयाग की तरफ निकलते हैं ट्रैक की नीचे। हम निकल रहे यहाँ से, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यार, यहाँ रहने का मन कर रहा है। जितने दिन रहे उतना कम है यहाँ पे तो यार। मेरा मन कर रहा है शाम तक यही रहूँ, यही बैठी रहूँ, यहाँ बैठी रहूँ, सही बात है। यहाँ का यहाँ पे सच में मन नहीं कर रहा जाने का, बट हम लोगों ने अच्छे से फोटो खींची है, अच्छे से रहे, और बाकी दर्शन भी बहुत अच्छे से किए हैं, बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जाना पड़ेगा। जाएंगे तभी बाप दोबारा बुलाएगा। चलो अब चलते हैं। तो हम लोग फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, और सीरियसली नहीं मन कर रहा जाने का यार, नहीं मन कर रहा जाने का, बट देन दिस इज, पैरों में जान नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं है, पैर सेंसलेस हो गए, बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन भूख भी लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा, बट हमें फिर भी नहीं जाना है, नहीं जाना। भीड़ भाई बहुत है, बहुत ही भीड़ है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग थोड़ा लेट जाएंगे तो भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन भाई अगर आप आ रहे हो ना तो सुबह जल्दी दर्शन कर लो, वरना, लेकिन जब दर्शन करोगे ना तो भूल जाओगे, आपके पैरों का दर्द, सर का दर्द, सारे दर्द छुमंतर हो जाएंगे। We are so I am so lucky, I feel myself to be so lucky कि मतलब मैं हमेशा सोचती थी पर कभी मुझे लगा नहीं था कि शायद मैं कभी आ पाऊंगी। वी आर सो लकी टू रीच देयर, बहुत सारे लोग तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, बट वी आर हियर। तो अब हमको यहाँ से निकलना है, अभी भी 22 किलोमीटर की चढ़ाई हमको उतरनी है, तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्या ले रहे हैं? कुछ घर वालों के लिए ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। तो ये है रेतस कुंड, यहाँ पर बोलते हैं कि अगर आप दिल से बम बम बोले बोलोगे तो यहाँ जो अंदर पानी होता है उसमें बबल्स आते हैं और आपकी यात्रा सफल होती है। तो अभी हम भी चलते हैं और ट्राई करते हैं, चलो। बम बम बोले, बम बम बोले। तो सही में रेतस कुंड में बम बम बोले बोल के भाई बबल्स आए थे, तो मतलब हमारी यात्रा सफल हुई। फाइनली हम लोग नीचे उतरने लगे हैं, तो अब हम नीचे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा मौसम था, यहाँ पे धूप थी, और देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अगर हम आज यहाँ पे रुकते हैं तो 98% चांसेस है कि कल स्नोफॉल हाँ मिल जाएगी। अगर आज रुकते हैं हम लोग आज भी तो मे बी आज, वरना कल तो पक्का स्नोफॉल होगी। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बारिश भी आने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि 3 बजे से पहले पहले अगर आप उतर गए तो ठीक है, वरना यूजुअली बारिश हो जाती है, और इतना ही टाइम हो रहा होगा 2 बजे के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जल्दी जल्दी अब उतरते हैं और देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है उतरने में। लेट्स गो। क्या बोल रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ फाइनली 2 साल का वेट हमारा खत्म हुआ। वाह यार, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। मतलब दर्शन करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन है कि हमारे दर्शन हो गए हैं, बस अब हमको नीचे जाना है। अभी थोड़ी देर पहले हम कितने अच्छे लग रहे थे, अब फिर से बारिश आ गई और फिर से हमें ये पहनना पड़ा। मतलब जो हम एक्स्ट्रा कपड़े लाए थे ना भाई, सब बेकार ही हो गए। बस ये है कि हाँ, जब चढ़ाई करी थी तो इसको हमने उतार दिया था, जिससे हमारी फोटोज वीडियोज अच्छी बन गई, बट अब जब जब
दर्शन कर रहे थे, सॉरी दर्शन कर रहे थे, पर उसके लिए भी लाइन में जब हम खड़े थे मैंने कितनी बार बोला था भगवान जी थोड़ा जब हम ऊपर पहुंचेंगे मंदिर पहुंचेंगे तो प्लीज बारिश बंद कर देना ताकि हमारी फोटोज अच्छी आए, और वो हुआ। हाँ, तो हमारी फोटो वीडियोस और रील्स जो भी बनी है थोड़ी बहुत वो सब अच्छी आ गई। उसके बाद जब उतरने की बारी आई तो फिर से बारिश आ गई। यार मेरा आज भी रुकने का मन था, एक्चुअली रुकने का मन है बट कभी कभी ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती है कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। शाम की आरती देख लेते अगर रुक जाते। नो कमेंट्स, दैट्स द व्यू ऑफ केदारनाथ। वही ये जगह है घोड़ा पड़ाव, तो जितने भी लोग घोड़े से आते हैं ना वो बस यहीं तक आ सकते हैं, और इसके बाद ये सारे यहाँ पे घोड़े घोड़े दिखेंगे। अरे इससे पहले का रास्ता एकदम स्मूथ था, अरे खूब होती रहेगी इस वजह से भी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, इससे पहले इससे मतलब पीछे 1.5 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, वो इतना स्मूथ रास्ता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से घोड़े चालू हो जाएंगे तो दिक्कत होगी यार, तो मतलब घोड़े चलते हैं ना तो थोड़ा डर भी लगता है, तो दैट इज़ द रीज़न अब हमको थोड़ा टाइम लगने वाला है, बट कोई बात नहीं चलता। तो जब आप ट्रैक से उतरते हो ना तो ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बने हुए हैं, तो अगर आप डेयरिंग हो तो आप ऐसे वाले ट्रैक से उतर सकते हो जिससे आपका कुछ वक्त बच जाएगा। चलो एक्सपीरियंस बन जाएगा। ये वाला तो ज्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। कैमरा बंद करते हैं और पहले ट्रैक से उतरते हैं, चला मैं कहीं पता चला ऐसे स्लाइड करते जा रहा हूँ ना, देखो पीछे बादल कितने मस्त लग रहे हैं है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कवर्ड मतलब इसके नीचे की चीज दिख नहीं रही, इतनी डीप वैली है और सारा वहाँ तक सारा दिख रहा है, पूरा बादल बादल, मैं आसमान की ऊंचाई में कोहरा ही कोहरा। बाकी हम लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं थोड़ा जल्दी पहुँचने के लिए। काली काली फोटो, तो दिस इज द मैगी, पहाड़ों की मैगी का भाई मज़े ही कुछ और है, पहाड़ों की मैगी का मज़े ही कुछ और है। हाउ इज द मैगी? नाइस। मुझे लगा बोले हाई सर। भाई ये है यहाँ का नज़ारा, टाइम क्या हो रहा था 6, कल जब हम आए थे तो कितना ज़्यादा वो सही था। अब जब यहाँ से हमको नीचे जाना है, और अभी तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पे वो दिखा रही थी ना बादल, अरे भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई टाइम हो रहा है 8:16, पूरे रास्ते पर अंधेरा था, मुझे लाइटिंग ही नहीं मिल रही थी, देखो मैं कहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अपडेट देने में ज़रूरी है। तो अगर ये 22 किलोमीटर है तो हम लोगों ने 16 किलोमीटर कवर कर लिया है, और हम लोग 4:30 चले थे तो 4 घंटे अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन अगर 16 किलोमीटर है तो हमने 10-11 किलोमीटर कर लिया, बट अभी जो बचा है वो 6 किलोमीटर बचा है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर कवर करना है, उसमें शायद लग जाएंगे 1-1.5-2 घंटे। उसके बाद सोनप्रयाग जाके रूम ढूंढना है, और बाकी कोई दिखाने लायक है नहीं क्योंकि सेम ट्रैक से उतर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो लोग आ रहे हैं ना मेरे जैसे लोग जो वीडियोज़ देखते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उतरते टाइम कितना टाइम लगता है। हालत खराब, सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है और चला भी नहीं जा रहा है। टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, 4 बजे 11:30 हो रहे होंगे, 4 बजे चले थे और अभी 1 किलोमीटर बचा है, हिम्मत नहीं हो गया।
तो ऐसे हुई हमारी महादेव से मुलाकात, जिसने हमें ये सिखा दिया कि महादेव से बड़ा और महादेव से आगे कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं, ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।